इस देश की है आज भी तूफान में नैया। भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। सब ओर पड़ा सूखा, आधा है देश भूखा, घनघोर है महंगाई, जनता है तंग आई। गलियों में बड़े बड़े अजगर हैं छिपे पड़े, दसते हैं आज भी नाग हमें है नाग नथैया। भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। महलों में है दिवाली, कुटियों में रात काली, कुछ लोग सुख से जीते, बाकी आंसू पीते। ये देश की सूरत है, अब आओ जरूरत है। लाखों सुदामाओं की है सुनसान मढ़ैया। भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। ये सोच रहे हैं सभी, ऐसा था न वक्त कभी, बच्चे न दूध पाते, माँ बाप छटपटाते। हे दीन बंधुआओ, करुणा के सिंधुआओ, कटती लाखों हर साल यहाँ गोपाल तेरी गैया। भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। इस देश की है आज भी तूफान में नैया। भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया। देवर्षि पधारिए। धन्य है प्रभु, आपका भी बचपन गया पर बचपना नहीं गया। आज भी मथुरा में बैठ ऐसे चैन की बंसी बजा रहे हैं जैसे संसार की कोई चिंता ही नहीं। संसार की चिंता में आप तो दुबले हो ही रहे हैं देवर्षि। अब क्या मुझसे भी मुरली के बदले तंबोरा बजवाना चाहते हैं आप? छोड़िए प्रभु, आप तो मेरी बात को हंसी ठट्ठे में उड़ा देते हैं। इसलिए चाहते हुए भी अब मैं ये कहना नहीं चाहता कि राजकुमारी रुक्मिणी के हृदय पर क्या बीत रहा है। रुक्मिणी के और मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं, हमारा संबंध दो मूर्ति और एक ज्योत के समान है। इस मुरली के भी एक एक छेद में उन्हीं के हृदय का स्वर और एक एक स्वर में उन्हीं की याद गूंजती है। नारायण नारायण। तो प्रभु जल्दी से जल्दी आप दोनों के हाथ पीले हो जाएं तो एक चिंता से मेरा पीछा छूटे। पीछा कैसे छूटेगा देवर्षि,
आर्य परिवार में जब तक बड़े भाई का विवाह न हो तो छोटा भाई कैसे कर सकता है, और ये तो सब कुछ समय के अधीन है। प्रभु कहीं ऐसा न हो कि इधर समय की प्रतीक्षा करते रहें और उधर समय बीच में से ही 9 और 11 हो जाए, क्योंकि राजकुमार रुक्मी जरासन के दबाव से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। इस विवाह के बहाने जरासन शिशुपाल को प्रसन्न रखना चाहता है और उसके सहयोग से अपने जवाई राजा कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने की विशाल योजना भी बना रहा। योजनाएं तो बनती ही रहती हैं देवर्षि, परंतु कोई भी योजना सफल तभी होती है जब उसके पीछे रचनात्मक संगठन हो। प्रभु सभी असंतुष्ट राजाओं ने मिलकर एक संयुक्त विरोधी दल का संगठन भी कर लिया है, जिसमें काशीराज, बाणासुर, रुक्मी और शिशुपाल भी हैं। मैं चंदीराज शिशुपाल यह चेतावनी दे रहा हूं, यदि कंस की मृत्यु का बदला उस कृष्ण से नहीं लिया गया तो कल वह हमारे विरुद्ध भी सिर उठाने का साहस कर सकता है। हम महापराक्रमी तानवी राजा बलि के पुत्र बाणासुर हैं। हमारे पिताश्री को इस विष्णु ने मस्तक पर पांव रखकर पाताल पहुंचा दिया है। उस विष्णु के अवतार कृष्ण के विरुद्ध हमारे हृदय में अभी तक प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। मैं विदर्भ राजकुमार रुक्मी, मेरी मूर्ख बहन रुक्मिणी सपने में भी जिस कृष्ण का नाम लेकर बड़बड़ाया करती है, मैं उसी कृष्ण को पृथ्वी से मिटा देना चाहता हूँ। किंतु ये मत भूलिए, हमें कृष्ण के छल कपट से सावधान रहकर महाबली बलराम से टक्कर लेनी होगी। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। सबका कोई काम नहीं, जिस जरासंध ने अपने बाहुबल से बड़े बड़े बलवान राजाओं को बंदी बना रखा है, वो बलराम जैसे गवार ग्वाले की गर्दन तोड़ने के लिए अकेला ही बाप है। नारायण नारायण, मथुरा पर मगध की ध्वजा फहरा देने का ये अच्छा अवसर है मगधराज, क्योंकि बलराम जी राजा कंस के डर से भागे हुए यादवों को मथुरा में फिर से बसाने के लिए अनर्थ देश में ढूंढते फिर रहे हैं। नारद जी, मैं अनर्थ देश का राजा कृष्णाप बलराम जैसे गीदड़ को सिंह की तरह गरज कर खदेड़ दूंगा। राजा कृष्णाप, तुम्हारे सिर पर तो रैवत तक का राजा ककुद में ही गरज रहा है। वो कायर तो हार कर रैवत तक की गुफाओं में मुंह छिपाता फिर रहा है। इस घमंड में फूल कर कहीं उसकी कन्या रेवती से सामना न कर बैठना कृष्णा। वह रूप में जैसी रमणी है वैसी ही रण में रण चंडी भी है। देखना ही है तो कोई वीर पुरुष देखे जो रेवती के नैन बाल लगते ही चट घायल और पट। अरे देखने की आवश्यकता ही क्या है, ब्रह्मा जी ने तो कह ही दिया है कि रेवती का ब्याह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से होगा। सो तो ठीक है री, पर कौन जाने बलराम जी मिले कि ना मिले, मिले तो कब मिले कहाँ मिले। अरे भाई हमारी सखी को बहुत उतावल है तो हमें मथुरा चले चले, ठीक है ना। चल हट निर्लज कहेगी। राजकुमारी जी, तिब्बतक पर्वत को कृष्णाभ की सेना ने घेर लिया है, राजा कृष्णाभ इधर ही आ रहा है। रेवती भी उसी की बाट देख रही है, पिता का बदला पुत्री लेगी। कहाँ है कायर कुकुरमी, कहाँ है उसकी बेटी रेवती, आज मैं उसको अपनी दासी बनाने आया हूँ, कहाँ है। निर्लज तू जिस रेवती को दासी बनाने का सपना देख रहा है वो तेरा काल बनकर तेरे सिर पर खड़ी है। कौन
रेवती, अरे तेरी सुंदरता पर मैं तो वैसे ही लाख बार मरने को तैयार हूँ सुंदरी। यदि तू इन हाथों से हथियार के बदले फूलों की माला मेरे गले में डाल दे और मेरे साथ कुशस्थली चले। मदान, मैं कुशस्थली अवश्य जाऊंगी, पर वहां की राजकुमारी बनकर तुझ जैसे नीच और विलासी राजा को यमलोक भेजकर। सार पुरुष, एक लड़की पर गदा उठाते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? यदि तुझे अपने बल का इतना उन्माद है तो आ, मैं मिटा देता हूं। हमारी शरण में आ गई है। यही तो मैं सुनना चाहता था, अतिथि नहीं जा सकती। मैं अचानक आ पहुंचा हूं, अतिथि नहीं। किंतु जहां आप आए हैं वो भूमि हमारी है, सत्कार किए बिना आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तुम्हारी इस भावना से ही मैंने सत्कार पा लिया कुमारी। बात केवल सत्कार की ही नहीं है, आपने मेरा जो उपकार किया है। उपकार नहीं बल्कि विजय का यश तुमसे छीन कर मैंने अपकार किया है, और क्षमा ना मांगने का अपराध भी। इसका दंड देने के लिए रोकना चाहती हो तो मुझे कोई विरोध नहीं। धन्यवाद। मैं पिताजी को वीर पुरुष का परिचय क्या दूं? मैं मथुरा के यदुवंशी वसुदेव का पुत्र बलराम। बलराम, युग युग से मैं जिनकी बाट देख रहा था वही बलराम। मैं बिछौने से उठने की अवस्था में नहीं हूं बलराम जी, क्षमा करके मेरी ओर से सत्कार स्वीकार कीजिए, विराजिए। ब्रह्मा के वचनानुसार आज मैं अपनी इस कन्या रेवती को आपके सबल हाथों में सौंपता हूं। रेवती के साथ साथ
कुशस्थली भी आप ही को दहेज में देता हूं। विवाह मैं तो यादवों के संगठन का काम पूरा करके ही आपकी सेवा में लौटूंगा। तब तक आप मेरे पिता और भाई कृष्ण को यहीं बुला लें। विवाह उनकी अनुमति से ही करना उचित होगा। सुखी रहो, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन संसार के लिए आदर्श बने। भाभी मुझे आशीर्वाद दीजिए। वासुदेव आपको आशीर्वाद देने वाली मैं कौन हूं? भाभी हमारी आर्य सभ्यता में भाभी माता के समान होती हैं। किंतु मेरे देवर जी तो स्वयं जगत पिता है। हाँ हाँ भाभी ऐसी बात फिर न कीजिएगा। संसार में कार्य सिद्धि के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं तो वसुदेव का पुत्र वृष का ग्वाला कृष्ण कन्हैया ही ठीक हूँ। भाभी मथुरा चलने पर भी आप मुझे देवर ही मानिएगा। देवी क्या दासियों को छुट्टी दे दी है? नहीं तो? तो फिर क्या बात है, उनका भी काम तुम ही कर रही हो। सुना है कि मथुरा के राजपुरुष पत्नियों से अधिक दासियों पर दया रखते हैं। भैया भैया गुप्तचर समाचार लाया है कि कंस के बाद कुशनाग की मृत्यु सुनकर जरासंध विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ रहा है। जरासंध का साहस चूर करने के लिए मेरी बुझाएं भी फड़क रही है। आओ मगधराज के आगमन का समाचार सुनते ही हम स्वागत के लिए दौड़े आए हैं। जरासंध भी अपने जवाई राजा कंस की हत्या का मजा तुमसे लेने के लिए आया है। कपटी जरासंध, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का कोई फल भी बाका नहीं कर सकता। जरासंध मैं तो एक हाथ और दो टुकड़े मानता हूं, किंतु कन्हैया के कहने से तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। जाओ